हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारोज इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा व्यू बेरिश है एंड हायर चांसेस है कि आज गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन खुलने के बाद कोई बाउंस नहीं होगा, डायरेक्टली एक शार्प फॉल हमें देखने को मिलेगा। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, गैप डाउन हुआ और शार्प फॉल हमें देखने को मिला। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या पॉसिबिलिटीज है वो देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है निफ्टी में, निफ्टी के डेली चार्ट पे एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। एक बार ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की एंड देन अब ये ट्रेंड लाइन तोड़ दिया। एक मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लर्निंग बता दूं आपको, कई लोगों को मैंने देखा है कि चार्ट पे बहुत सारे ट्रेंड लाइन बना लेते हैं और उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेना है। एक चार्ट पे मैक्सिमम 3 या 4 से ज्यादा ट्रेंड लाइन नहीं बनाना चाहिए। जितना कम ट्रेंड लाइन बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा। और जितना इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे उससे ज्यादा रिजल्ट आएगा। सो नंबर ऑफ ट्रेंड लाइन ज्यादा होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेंड लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पे देखो बार बार प्राइस टच हो रहा है। सो जितने ज्यादा बार टच होगा प्राइस उतना ज्यादा वो ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्राइस ज्यादा बार टच हो रहा है ये ट्रेंड लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो यहाँ पर देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है आज के दिन में और ब्रेक डाउन दिया है। सो कल के ट्रेडिंग सेशन में भी वापस हमें एक सेल ऑफ ही देखने को मिल सकता है। कल अगर निफ्टी गैप अप होता है तो भी शॉर्ट के ट्रेड्स की तरफ ध्यान देना है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो भी शॉर्ट के ट्रेड्स की तरफ ध्यान देना है। सो व्यू अभी भी बेरिश है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में और सेलिंग साइड ही पोजिशन बना के काम करना है। सेम वे बैंक निफ्टी भी मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी में भी एक सिंपल ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी अब निफ्टी से काफी ज्यादा वीक है। तो बैंक निफ्टी में आज हमें ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट्स का फॉल हमें देखने को मिला और मुझे लगता है यहाँ से और हमें फॉल देखने को मिल सकता है। अगर कुछ भी कल इंट्राडे में बाउंस आता है तो इंट्राडे बाउंस को शॉर्ट पोजीशंस बनाने के लिए यूज करना चाहिए। एंड यू कैन सी हियर, ये इसने भी ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है और इसमें भी एक फ्रेश ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही शॉर्ट पोजीशंस बनाकर ही काम करना है, सेलिंग साइड ही काम करना है। कौन से लेवल पे ट्रेड करना है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सो आपको ट्रेड का लॉजिक और एनालिसिस आपको यूट्यूब वीडियोज पे मिल जाएगा और कौन से लेवल पे ट्रेड करना है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बजाज फाइनेंस शॉर्ट बताया था, इंडसइंड बैंक शॉर्ट बताया था और SBI मैंने क्लीन एंड क्लियरली बोला था कि ये बहुत वीक स्टॉक है, इसमें आपको 180-175 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो आज देखो तीनों ही स्टॉक ऑलमोस्ट 10-10% डाउन है। सो अगर किसी ने ये स्टॉक्स पे ट्रेड किया है, ये कॉल्स किसी ने फॉलो किया है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि किसने किसने ट्रेड किया या किसने किसने ये कॉल्स फॉलो किया। अब डिस्कस करते हैं कल इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक्स पे हमें ट्रेड करना है। सबसे पहला स्टॉक होगा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल पे यहाँ पर अगर आप देखो डबल टॉप बन चुका है, डबल टॉप फॉर्मेशन है। अगर ये यहाँ से प्राइसेस ऊपर क्रॉस कर लेता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस कर लेता है तो यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। करीबन 15-20 रुपए का एक पॉजिटिव अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। सो भारतीय एयरटेल बाय रहेगा अबाउ 537 के ऊपर जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। सेकेंड स्टॉक होगा ICICI बैंक। ICICI बैंक में अगर आप देखो तो यहाँ पर डेली चार्ट पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना है। इवनिंग स्टार पैटर्न एक बेरिश पैटर्न होता है। सो अब यहाँ से और फॉल हमें देखने को मिल सकता है, हायर चांसेस है क्योंकि लॉन्ग पोजीशन इसमें भी ट्रैप हुई है एंड मुझे लगता है यहाँ से 320 एंड 300 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ICICI बैंक में भी सेलिंग साइड में ही ध्यान रखना है 320 और 300 के टारगेट्स के लिए। एंड लास्ट स्टॉक होगा PVR। PVR अगर आप देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट 52 वीक लो के पास में आ गया ये स्टॉक एंड 950 इसका 52 वीक लो था। 950 के नीचे अगर ये जाता है तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। PVR में भी शॉर्ट करके काम करना चाहिए 950 के नीचे। तो आज के वीडियो में इतना ही, ये कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए स्टॉक्स थे और निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने आपको व्यू बताया बेरिश। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।